सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं माताओं एवं बहनों एवं भाइयों, सभी लोग मिलकर एक बार बोलें जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं श्री राम मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा आप सभी को। तो सो इस वीडियो पर बने रहें, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा जाग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। तो सभी भक्त मिलकर 17 जनवरी को मूर्ति के साथ अयोध्या धाम में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि होगी प्रारंभ। उन्नीस जनवरी को होगी अग्नि स्थापना। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू से लाया जाएगा। 21 जनवरी को रामलला को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में होगी प्राण प्रतिष्ठा। माताओं एवं बहनों एवं भाइयों, आगामी पूर्व शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2080 सोमवार दिनांक 22 जनवरी 2024 के दिन शुभ प्रभु श्री राम के बाल रूप का नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजमान करके प्राण प्रतिष्ठा की ली जाएगी। इस अवसर पर अयोध्या में अभूत आनंद का वातावरण रहेगा। आप भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूर्व 11 बजे से दोपहर 1 बजे से मध्य अपने ग्राम मोहल्ले कॉलोनी स्थित में किसी मंदिर में आसपास पड़ोसों में राम भक्तों का एकत्र करके भजन कीर्तन टेलीविजन अथवा कोई पर्दा या LED स्क्रीन लगाकर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समाज को दिखाएं। शंख ध्वनि घंटा नाद आरती के प्रसाद आरती करें और प्रसाद वितरण करें। कार्यक्रम स्वरूप मंदिर केंद्रित रहें। अपने मंदिरों के स्थित में दिव्य देवताओं का भजन कीर्तन आरती पूजा तथा श्री राम जय राम जय राम इस विजय मंत्र का 108 बार सामूहिक जाप करें। इसके साथ हनुमान चालीसा सुंदरकांड राम रक्षा स्रोत इत्यादि का सामूहिक पाठ भी कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं प्रसन्न होंगे। संपूर्ण भारत का वातावरण सात्विक एवं समयमय हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूरदर्शन सीधे प्रसारित किए जाएंगे जिनके चैनलों के माध्यम से भी प्रसारण किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन समय काल सूर्यास्त के बाद अपने घर के सामने देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाकर विश्व के करोड़ों घरों में दीप उत्सव मनाया जाएगा। अपने देश आपसे निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन उपरांत प्रभु श्री राम तथा नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु आपने अपने अनुसार अयोध्या जी में परिवार सहित पधारें। भारत के सभी हिंदू भाइयों को सूचित किया जाता है कि बड़े दिनों के बाद हम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ा पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्य में हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, बहुत बलिदान देना पड़ा है। कार सेवकों के बलिदान को कोटि कोटि नमन करते अतः आप सभी भाइयों के साथ हाथ जोड़कर निवेदन है 22 जनों के सभी हिंदू अपने घर पर बिजली की झालर लगाकर घर की छत पर भंगवा लगाएं। आप सभी अगर अयोध्या नहीं जा सकते हैं तो एकत्र होकर अपने गांव नगर मोहल्ला कॉलोनी में एकत्र होकर भजन संध्या करें, महोत्सव मनाएं, मिठाइयां बांटें, आतिशबाजी करें। और अगर आप अपने आप को भारत के सच्चे सनातन हिंदू मानते हो तो इस पर्व को जरूर मनाएंगे। आप इस दिन अपने घर पर कम से कम 51 दिए जलाकर पर्व मनाएं और अपने साथ हिंदू हैं तो आपको यह संदेश 21 लोगों को आगे भेजना है। अगर आप इस महोत्सव को मनाएंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि आप भारत के हिंदू में से
कितनी ताकत है। और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं ऐसे ढेर सारे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो फ्रेंड इस चैनल पर मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय श्री राम। मेरे और अपने छत के ऊपर भंगवा रंग का झंडा लगाएं, और सभी अगर अयोध्या नहीं जा सकते हैं तो एकत्र होकर अपने नगर गांव मोहल्ले कॉलोनी में एकत्र होकर अपन भजन संध्या करें, महोत्सव बनाएं, मिठाइयां बांटें, आतिशबाजी करें। अगर आप अपने बाल आपको भारत के सच्चे सनातनी हिंदू मानते हैं तो इस पर्व को ज़रूर मनाएंगे। इस दिन अपने घर कम से कम 21 से ज़्यादा 51 दिए जलाकर पर्व का फुल आनंद मनाएं। आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको यह संदेश कि लोगों को आगे भेजना अति अनिवार्य है। अगर आप अपने सब इस महोत्सव में मनाएंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि भारत में हिंदू एकता में कितनी ताकत है। और आपको संदेश अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को भी ये इसमें से भेज सकते हैं फ्रेंड। और सभी भक्त बोले जय श्री राम, माताओं बोले जय श्री राम, बहनें बोले जय श्री राम, और आदरणीय माताओं पिता बोल दो एक बार मिलकर जय श्री राम। और अयोध्या पहुँच कर आप 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भजन कीर्तन करें और दीप जलाएं और स्नान करके प्रसाद चढ़ाएं गंगा जी में। सभी भक्तों 22 जनवरी को नहीं जा सकते हो तो उसके दूसरे दिन तीसरे दिन जाइए और प्रसाद चढ़ाइए और रामलला के दर्शन करिए सभी परिवार सहित। तो मैं इससे ढेर सारे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ फ्रेंड, तो मेरा वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह की वीडियो हर दिन नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। ऐसी ढेर सारी जानकारियाँ आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके फ्रेंड। और एक बार बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय श्री राम। सच्चे सनातनी हो तो बोलो एक बार मिलकर जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीता राम, सीता राम, मिलकर सभी भक्त बोलें जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो मनाया जाएगा। अपने आपसे निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत प्रभु श्री राम तथा नवनिर्मित मंदिरों के दर्शन हेतु अपने अनुकूलित समय अनुसार अयोध्या जी परिवार सहित पधारें। श्री राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। सभी भक्तों बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या राम मंदिर के लिए छत्तीसगढ़ से 30 टन चावल लेकर ट्रक रवाना हुआ, जिस फुल सिक्योरिटी में नो टोल के साथ अयोध्या धाम पहुंचाया जाएगा। सभी भक्त बोले जय श्री राम, जय श्री राम। भारत के सभी हिंदू भाइयों को सूचित किया जाता है कि बड़े दिनों के बाद हम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बहुत बहुत बड़ा पर्व बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कार्य में हम बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत बलिदान देना पड़ा है। कार सेवकों के बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हुए अतः आप सभी भाइयों के हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि
22 जनों को हिंदू अपने घर पर बिजली की झालर लगाएं घर की छत पर। भगवान श्री राम का पूजा पाठ करें और दीपक जलाएं। इसके दौरान आपको भगवान प्रसन्न होंगे, आपको सुख संपत्ति की धन अपार शक्ति प्रदान हो। तो फ्रेंड सभी लोग बोलिए एक साथ मिलकर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। सभी लोग मेरा चैनल फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है कृष्ण, आप देख रहे कृष्ण ऑफिशियल चैनल को। तो मैं ऐसे ढेर सारे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, श्री राम सीताराम के वीडियो लाता रहता हूँ।